अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दानिश उमरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल store4u.pk। गाइस, दो ब्रांडेड फोन आजकल मार्केट में चल रहे हैं, एक सोनी एग्जिट 3, ये सोनी वालों का फोन है जो ब्रांडेड आ रहा है एग्जिट 3, और दूसरा शार्प एक्वाज R2। इन दोनों की हमने वीडियोस दी हैं आपको, और अब जो है हम इन दोनों का गेमिंग कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि किस में बेहतर गेम चलती है, क्योंकि दोनों में स्नैपड्रैगन 845 है और ये भी 16-17,000 की 18,000 की रेंज में मिल जाता है। सोनी भी आपको जो है 21-22,000 की रेंज में मिल जाता है, और दोनों का कंपैरिजन डिमांडिंग भी है हमारे पास। दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, जो है दोनों डिमांडिंग फोन्स हैं, और इसमें देखेंगे किस में बेटर परफॉर्म करती है गेम, किस में जल्दी लोड होती है, किसी में जल्दी जो है शूट करके देख लेते हैं वन बाय वन कि किस में ज़्यादा होती है, और ग्राफिक्स भी दोनों में चेक कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले इनके लुक और डिज़ाइन में तो बहुत डिफरेंस है, बट अब हम गेमिंग टेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि दोनों में सेम प्रोसेसर है, लुक और डिज़ाइन में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, और उससे पहले इंट्रो। सो गाइज, तीनों में जो है बार टाइमर भी स्टार्ट करते हैं और गेम भी स्टार्ट करते हैं। चल हो गया, तीनों में स्टार्ट कर लिए, अब यहाँ पर गेम देखते हैं। दोनों में पहले रेस लगी हुई है कि पहले गेम कहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ या यहाँ, और दोनों जो है 845 स्नैपड्रैगन है। यहाँ तो भाई आगे आ गया और लोडिंग भी आ गया, यहाँ पर अभी हुई है ये 16 सेकेंड्स, तो पहले ये लोड हुई है कम्प्लीटली। लोड कैसे करते हैं, ये 16 सेकेंड्स पे आ गया लोडिंग पे, और यहाँ पर भी अभी लोडिंग पे आया है। सो ये कम्प्लीटली गेम ऑन हो गया 27 सेकेंड्स पे, और लोडिंग की अगर बात करें तो दोनों में ये विन करता है, और ये आ गया 30 सेकेंड्स पे जो है। सो ये हो गया, लोडिंग की बात करें तो यहाँ पर आते हुए जो है अपना विन जो है एक्वास R2 करता है, और अब दोनों के ग्राफिक्स आपके सामने हैं, और दोनों की अब सेटिंग्स चेक करते हैं कि दोनों ग्राफिक्स कहाँ तक दोनों के जाते हैं। डिस्प्ले में अगर बात करें तो इसकी ज़्यादा कलर्स अच्छे लग रहे हैं, एमोलेड है जाहिर बात है, ये एक्सू डिस्प्ले है जो कि एमोलेड के टक्कर का है, लेकिन एमोलेड है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में ये ज़्यादा बेहतर है। सो ग्राफिक्स ये स्मूथ और एक्सट्रीम पे जा रहा है, ये भी स्मूथ और एक्सट्रीम पे जा रहा है, ये बैलेंस और अल्ट्रा पे जा रहा है, ये भी और ये दोनों के ग्राफिक्स ऑलमोस्ट सेम पे जा रहे हैं, और इसकी ब्राइटनेस में देखूँ, हाँ इसकी ब्राइटनेस फुल करें। सो गाइज, कलर जो है इसके ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं मुझे, प्रोमिनेंट लग रहे हैं बट, और दोनों का आप टच यहाँ से फील करेंगे, ये मैं अगर यहाँ से रोटेट करूँ तो कितनी बार हो रहा है ये। सो यहाँ पर अच्छा, आप दोनों का गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और देखते हैं कि दोनों में पहले गेम कहाँ स्टार्ट होता है और पहले एंट्री किसकी होती है। सो गाइज, ये टाइमर देखते हैं कि कौन पहले एंट्री मारता है, एक्वास R2। दोनों एक साथ एंट्री मार दिया है भाई, दोनों की स्पीड में का मुकाबला नहीं है, दोनों एक साथ आए हैं। सो गाइज, दोनों का गेम प्ले हमने लगा दिया है, आप दोनों का खुद ही जज कर लेंगे कौन सी बेटर गेम चल रही है, और आप देखिए दोनों में कोई लैगिंग नहीं हो रही और बेहतरीन दोनों चल रहे हैं। और बात करें कि अपना टच की और फील की, तो मुझे सोनी एग्जैक्ट 3 ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और एमोलेड भी है और टच में फील भी अच्छा हो रहा है, और हाँ 60Hz का डिस्प्ले, ये 120Hz का डिस्प्ले, बट सुपर एमोलेड की वजह से फील अच्छा मिल रहा है। सो लेट्स सी दिस दोनों का गेम प्ले, ये R2 का भी और एग्जैक्ट 3 का। सो गाइस, कैसा लगा आपको कंपैरिजन दोनों फ़ोन का, और ये दोनों का कंपैरिजन भी दे दिया, गेम प्ले भी दे दिया, और ये दोनों ब्रांडेड फ़ोन है, सोनी एक्वास R2 एंड सोनी एग्जेट 3। सो मैं अपनी चॉइस की बात करूँ तो मैं एग्जेट 3 की तरफ जाऊँगा, बाकी आप पर डिपेंड होता है कि आप क्या चॉइस कर लें, क्योंकि एग्जेट 3 में जो है कुछ चीज़ें मुझे बेहतर ये लगी, उसका फील, उसका कर्व, उसका लुक ये भी ज़्यादा बेहतर है, और एमोलेड भी है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, दिस इज दानिश उमरा, अल्लाह हाफिज़। Thank you.